वायु प्रदूषण को रोकने के लिए पराली खरीदेगा जिला प्रशासन। अब तक 1120 मेट्रिक टन पराली खरीद चुका प्रशासन। गौशालाओं के लिए पराली खरीद रहा जिला प्रशासन। गौशालाओं में गोवंशों के लिए सूखे चारे के रूप में पराली का होगा इस्तेमाल। बुलंदशहर में 150 से अधिक गौशालाओं की संख्या। सर, पराली जलाने की घटनाओं पर काबू पाने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं और कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन पर कार्रवाई की गई है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा जनपद NCR का जनपद है और लगभग 1,00,000 हेक्टेयर भूमि पर यहाँ धान की खेती होती है। हमने पराली ना जले इसके लिए पूरे जिले को सेक्टर और जोन में विभाजित कर रखा है। इसके अलावा ग्राम ग्राम में समितियाँ गठित की गई हैं। हमारे जनपद में 4 पराली की घटनाएँ हुई थी जिनके ऊपर किसानों के ऊपर नियमानुसार जुर्माना लगाया गया है। हम लोग हर माध्यम से होर्डिंग्स लगवा करके गाँव में बैंस भेज करके SDM की बैठक करा करके स्वयं मैं भी फील्ड में गया हूँ। किसानों से मैंने बात की है, मेरे ADMs भी गए हैं, CDO साहब भी लगे हैं, सारे BDOs लगे हुए हैं और मेरा आपके माध्यम से यही निवेदन है कि पराली जलाने से मृदा की उर्वरा शक्ति कम होती है और जो जीवाश्म है वो समाप्त हो जाते हैं। पराली की कीमत अच्छी मिल रही है, इंडस्ट्री ले रही है। इवन हम लोग गौशालाओं के लिए कुछ लोग दान में दिए हैं, उनसे दान में लिए हैं, कुछ लोगों से हम लोगों ने खरीदा भी है। किसी के पास भी पराली है उसे जलाए ना, वो हमको बता दे, हमारे कंट्रोल रूम को बता दे, हमारे मोबाइल नंबर पर बता दे, हम उसकी पराली खरीद लेंगे। उससे उसको न केवल आमदनी होगी बल्कि उसके जो मृदा का जीवाश्म है वो भी समाप्त होने से बच जाएगा। जिला प्रशासन की ओर से सर किसानों से कितनी पराली खरीदी गई अब तक? अब तक हम लोगों ने जो हमारी 160 गौशालाएँ हैं उसमें 11,000 से क्विंटल से अधिक की पराली हम लोगों ने या तो दान के माध्यम से या क्रय करके खरीदी है और लगातार इसमें प्रयास जारी है कि अधिक से अधिक और भी हम पराली अपनी गौशालाओं में ले आएं। उससे हमारी गायों के लिए चारे की व्यवस्था अच्छी तरीके से बनी रहेगी और पूरे ठंडी के दौरान चारे की कमी नहीं आएगी और उसमें किसान काफ़ी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं और उन्होंने हमारा साथ दिया है। बट कुछ किसान हैं जो थोड़ा कम समझ पा रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि वो भी अपनी पराली हमको या तो दान के माध्यम से या हम उसकी उनकी पराली क्रय कर लेंगे, हम ही को दे दें, हम अपनी गौशालाओं में उनका उपयोग करेंगे।